जुनून कहीं या सिर, कड़ाके की सर्दी में बर्फबारी के बीच कड़ी मशक्कत कर मनाली के दो युवकों ने भारत का पहला इग्लू हाउस बनाया है। आज हम आपको दिखाएंगे मनाली के हामता पास में बना भारत का पहला इग्लू हाउस। इग्लू हाउस आमतौर पर ग्लोब के नॉर्थ रीजन पे देखने को मिलते हैं, मगर अब आप इसे भारत में भी आसानी से देख पाएंगे। जी हाँ, 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस इग्लू हाउस को मनाली के टशी और विकास ने बनाया है। ये इग्लू हाउस पूरा बर्फ से बना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ का इस्तेमाल किया गया है। दो लोग रह सकते हैं। इस वक्त इग्लू के भीतर का तापमान 0 है और बाहर का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। वहीं इग्लू हाउस देखने पहुंचे स्थानीय लोगों का मानना है कि ये इग्लू मनाली में विंटर टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है और इसके बनने से हामता पास में इन दिनों सैलानियों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी मेहनत किया, 8 साल से हम इसी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हम इस चीज़ से कर सकते हैं, तो ये 8 साल का हमारा मेहनत है जो अभी हम करके दिखाया है। जी, मैं मनाली से हूँ और मैं यहाँ पर मैं भी टूरिज्म फील्ड से जुड़ा हूँ और मैं स्पेशली इसको देख इग्लू को देखने आया। मैंने टीवी में देखा था, सुना था और सोशल मीडिया के थ्रू देखा, तो स्पेशली मैं इसको देखने आया। लड़कों ने काफ़ी यहाँ पर मेहनत करके बनाया है, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है और इस जो कि विंटर टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए अगर सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर इनको कुछ सहायता मिलती है तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहीं का लोकल हूँ और मैं काफ़ी बेनिफिट हुआ टूरिस्ट बनाने से, यहाँ से जब खास करके इग्लू बनाने से। पहले तो यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आते थे, जब से इग्लू बनाया तब से काफ़ी टूरिस्ट आने शुरू हो गए यहाँ पर देखने को मिलती है। ये इग्लू हाउस है, आप इसकी जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ऐसा इग्लू हाउस देखना होगा तो आपको नॉर्थ रीजन में जाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल ये वो इग्लू हाउस है जिसे मनाली के दो लड़कों ने बनाया है। पिछले 8 सालों से मेहनत कर रहे थे और सीधे तो ये पूरा बर्फ से बना है, इस पे सिर्फ बर्फ का इस्तेमाल किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, बाहर कितनी भी बर्फ, विंटर टाइम का काम है जब बर्फ पड़ रही है, जिसमें लोग अपने मतलब गर्म बिस्तर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तंदूर के पास बैठ के आग सेकना पसंद करते हैं, तो उस समय हम लोग बाहर आके ये काम कर रहे हैं तो सभी डांटते थे कि पागल हो गए हो, ऐसे मौसम में चुपचाप घर में रहो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है करके। बहुत मेहनत की और कामयाबी मिली, अभी भी हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए डिमांड आ रही है, लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग इस समय पूरी तरह से बर्फ़ के ऊपर निर्भर हैं, तो बर्फ होगा तो अभी इग्लू बना पाएंगे और विंटर बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ 2 महीना का ये कि जिस समय बर्फ़ का कंडीशन अच्छा रहता है। लोग पसंद कर रहे हैं, जो भी आए स्टे करके गए वो पसंद कर रहे हैं। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर शायद 0 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पे, वो रात को माइनस में चला जाता है। हम लोगों ने जब पिछले साल हम लोगों ने देखा था तो बाहर टूरिज्म बहुत ही छोटा सा पीरियड है और मनाली क्षेत्र में विंटर टूरिज्म इतना डेवलप नहीं हो जितना समर को कंपेयर करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम उम्मीद करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इससे विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय करें और ये इग्लू जहाँ पे हम बना रहे हैं ये हर जगह पे नहीं बनाया जा सकता, कुछ एक सिलेक्टेड एरियाज है जहाँ बना रहे हैं हम लोग, हम निवेदन करेंगे कि वो हेल्प करें।